हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेव का जो लास्ट जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे इस पार्ट में, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन है वो बीट्स पे है। तो बीट्स क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस मतलब कितना? नॉट मोर देन 10, क्योंकि अगर 10 से ज्यादा होगा तो हमें तो सुनाई नहीं देगा, बीट्स तो होगा। तो साउंड वेव्स गिव 5 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द साउंडेड विद अनदर सोर्स। देखो, अब हम लोगों के पास नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं? 2 हैं यार। एक सोर्स मैं यहाँ बना देता हूँ और एक सोर्स मैं याद बना, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है जो हमें पता नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 हर्ट्ज़। ठीक है, ये क्लियर है। अब इन दोनों को अगर एक साथ मैं साउंड जनरेट करता हूँ तो हमें जो बीट्स मिलता है, बीट्स मतलब इनमें फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आया वो एक्चुअली हमें मिल गया 5 बीट्स। बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 इसका फ्रीक्वेंसी है और बीट्स 5 मिल गया, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? पहले वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी F2 ±5, मतलब 100 और ±5। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 105 और 95 तो हर्ट्स होगी। ये बात कन्फर्म हो गया कि जो अननोन जो सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या तो 105 होगी या 95 होगी। अब ये हमें पता नहीं इसमें से कंफर्म सही कौन सा है, बट ये बात ऑप्शन को देख को आपको पता लग गया होगा कि ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो F1 की फ्रीक्वेंसी जो पूछा जा रहा है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, या तो ये है या तो सी है। अब इसमें से कंफर्म सही कौन सा है उसके लिए कुछ कंडीशन मेंशन है क्वेश्चन में। तो सेकेंड हार्मोनिक ये जो होता है ए, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक इसको मैं F1 से डिनोट कर देता हूं। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब इसका डबल, थर्ड हार्मोनिक का मतलब इसका 3 टाइम्स। तो इसका अगर मैं सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ, तो इसका सेकेंड हार्मोनिक का मतलब है सेकेंड हार्मोनिक निकाल लेते हैं इसका F2, तो इसको डबल कर दे। तो अगर मैं इसको डबल करता हूँ 105 को तो ये आ जाएगा 210 हर्ट्ज़, और मैं इसको अगर डबल करूँगा तो 190 आ जाएगा। ये क्लियर है, ये आ गया सेकेंड हार्मोनिक जो ये लाइन कर रहा था। अब ये जो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है वो किसी दूसरे सोर्स के साथ, एक तीसरा सोर्स आ गया, चलो ये तीसरा सोर्स आ गया, ये थर्ड सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज़ है। इसके साथ तीसरे सोर्स के साथ जो अपना पहला सोर्स था उसकी सेकेंड हार्मोनिक को इसके साथ साउंड जनरेट किया गया, तो ऑब्जर्वर को 5 बीट्स मिल गया यार। बराबर है। तो एक्चुअल F1 की वैल्यू कौन सी है? तो ये जो ये कंडीशन दिया है उसको मैं सेटिस्फाई करवा देता हूं यहां। चलो, तो 5 बीट्स मिला, 5 बीट्स 205 और 190 को अगर एक साथ साउंड जनरेट करते हैं, क्या आपको 5 बीट्स मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा भाई। 205 - 190, तो 205 - 190 = 15 बीट्स मिल गया। अब क्या 205 को इसके साथ मैं साउंड जनरेट करूं तो 210 - 205, तो ये हमें मिल गया 5 बीट्स, जो कि बात बिल्कुल सही है जैसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 190 जो सेकेंड हार्मोनिक है उसके साथ साउंड जनरेट नहीं किया गया होगा। इसका मतलब 95 गलत फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब 105 सही फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलो, अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वेव, इसमें से वेव कौन सा रिप्रेजेंट है? आप सिंपल हार्मोनिक वेव पढ़ के आए होंगे इस टाइप का। ये जो वेव है AX एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, और किसी पार्टिकल के बारे में सोचो, यहाँ पर एक पार्टिकल है P पॉइंट पे, उसके बारे में मैं सोचूं, उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है और टी टाइम है, तो इसका एक इक्वेशन हम लोग पढ़ के आए थे, Y = A sin ωt - kx। बराबर है। देखो, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है। एक्स वाले पार्टिकल का टी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट कितना, ये वेव है। कुल मिला के इसमें 3 वेरिएबल है, एक वेव जो वाई एक्सिस के अलावा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, और एक एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है आगे, दो
वेलोसिटी है, एक वेव की वेलोसिटी है, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, बराबर है। तो ये बेसिक से करते हैं, इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, तो पहले बेसिक से करते हैं। तो कम से कम तीन वेरिएबल तो इस हार्मोनिक वेव में तो होना ही चाहिए यार। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ये इक्वेशन है डी ऑप्शन, ये कभी सही नहीं हो सकता। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेरिएशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम पे। एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, SSM रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेरिएशन ऑफ एक्स अलोंग वाई एक्सिस, तो इसमें टाइम गायब है, तो ये वेव रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो ये एक वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। सी कोई कांस्टेंट है, तो ये भी वेव, ये दोनों वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो लॉजिकली हो गया, अब मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हो। अब मैथमेटिकली कैसे करोगे, वो थोड़ा जो प्रोसेस है मैथमेटिकली वो थोड़ा लेंदी है। तो जो वेव है, कोई इक्वेशन आपको दे दिया गया, मान लो मैंने आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया, चेक करना वेव है या नहीं है। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपन वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कर्वेचर, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव। अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो वेव को रिप्रेजेंट करते करेगा, वेयर वी इज द वेलोसिटी, कोई कॉन्स्टेंट है, स्पीड है कॉन्स्टेंट है, डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को, कोई इक्वेशन को दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसी इक्वेशन को दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर इनको डिवाइड करो और रिलेट करो, और इस फॉर्मेट में आता है तो वेव रिप्रेजेंट करेगा यार। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और बी सही है, करके इसको कर लेना, तुम ट्राई कर लेना। द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग फिक्स एंड, देखो अब एक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ट्रेवल अलोंग स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड। चलो एक स्ट्रिंग है, इसको एक एंड में फिक्स कर देता हूं, और इसमें अगर मैं एक पल्स जनरेट कर दिया तो ये पल्स ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे वेव जाएगी। बट हुआ क्या कि जब वेव उधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो कहीं पे चलो मान लो पल्स उधर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, पल्स एक्चुअली इस केस में मुड़ जाती, इस टाइप से हो जाती है, इसको मैं आपको पूरा गायब हो गया, आप इसको ऐसे कर सकते हो। देखो ये जो पल्स है उधर से जब रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कुछ ऐसा हो जाता है उधर से जब वापस आती है। तो कहता है नोड इज फॉर्मेड ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ये फिक्स्ड एंड है, ये तो कभी ऑसिलेट नहीं कर सकता भाई, हिंज है, तो जो ऑसिलेट नहीं कर सकता पार्टिकल यहाँ का, वहां तो हमेशा नोड ही बनेगा यार, नोड मतलब एम्पलीट्यूड जीरो है। अब यहां से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स्ड एक और नोड बन गया, यहां से मान लो यहां पर एक और नोड बन गया, और ये डिस्टेंस हम लोग को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बराबर है, और स्पीड फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है 100 हर्ट्ज। तो अब हम लोग को फाइनल कैलकुलेशन क्या करना, फाइनल कैलकुलेशन हमें स्पीड निकालनी, स्पीड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ दैट इज द स्पीड। अब हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, लैम्डा निकाल सकते हैं, हम सबको पता है एक नोड और एक नोड, दो कंजुगेटिव नोड या एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई फोर हो, लैम्डा बाई टू होता है, बराबर है। तो ये लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब 10^-2 मीटर है, और फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी 100 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो स्पीड इतना आ जाएगी, मतलब ये 100 ने 100 को, मतलब स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द पल्स या वेव, दैट इज ए ऑप्शन सही है, बराबर है, समझ में आ गया बेहतर तरीके से। चलो स्टेशनरी वेव, अब स्टेशनरी वेव है स्टैंडिंग वेव का एक मैथमेटिकल इक्वेशन के इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और y इज इक्वल टू ए साइन 100 टी कॉस 0.2 वेव, ए एंड y आर मिलीमीटर टी सेकंड में है, x मीटर में, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वही पुरानी कहानी, जो वेलोसिटी है वो कैसे निकाली जाती है यार, वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, किसी भी वेव के लिए
फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी यार। अब ये दोनों हमें स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन से कंपेयर करने पर मिलेंगे। स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, आप स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन पढ़े होंगे, जिसमें y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 पाई एक्स अपन लैम्डा होता है। दिस इज द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, ये आप पढ़ के आए होंगे। इसका और जो दिया हुआ है उसका, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाए तो हमें ये जो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर मैं इनका कंपेयर करता हूँ तो 2 पाई कैपिटल टी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कंपेयर करो वो आ जाएगी 100 टी, 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2 पाई अपॉन 100, मतलब ये हुआ पाई बाई 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो 50 अपॉन पाई हर्ट्ज आ जाएगी। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे रहने दो। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वेव लेंथ चाहिए। वेव लेंथ यहाँ पर है 2 पाई लैम्डा और एक्स इसका 0.0x से कंपेयर हो जाए तो यहाँ से मुझे कंपेयर करने के बाद जो मिलेगा 2 पाई लैम्डा की जो वैल्यू है इन दोनों में कंपेयर करेंगे वो 0.01 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा की वैल्यू है 2 पाई 5.01 है। दिस इज द लैम्डा, ये रहा लैम्डा और ये रहा फ्रीक्वेंसी। अब क्या चाहिए हमें, स्पीड चाहिए। तो स्पीड चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ वेव जो आ जाएगी वो कांस्टेंट होती है, वेव की स्पीड कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मल्टीप्लाइड बाय पाई और मल्टीप्लाई कर दूं 2 पाई और ये 0.001, तो पाई में पाई को और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो 0.0 खत्म हो गया और 20 इधर हो गया और 5 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ए ऑप्शन हम लोग का सही है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करो, फटाफट क्वेश्चन करो। कहता है सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी गिव 5 बिट्स, मतलब बिट्स का प्रॉब्लम है। बिट्स में बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहे हैं यार, मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ ना, उनको दिक्कत होती है क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट जो फैकल्टी होते हैं लास्ट में जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाती बिट्स में। तो साउंड सोर्स 5 बिट्स देता है। देखो हमारे पास 2 सोर्स हैं, एक सोर्स ये रहा एक सोर्स ये रहा, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। भाई बिट्स सुनने के लिए मिनिमम 2 तो चाहिए चाहिए ना। इन दोनों को एक साथ अगर मैं साउंड जनरेट करता हूँ तो ऑब्जर्वर जो यहाँ पर ऑब्जर्वर है उसको कितने बिट्स मिल रहे हैं बोलो, 5 बिट्स मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वी माइनस 200 दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 5 बिट्स है। इसका मतलब ये हुआ ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वी ए आ जाएगा 200 प्लस माइनस 5। इसका मतलब ये या 205 या 195, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब ये तो बात क्लियर हो गया कि जो ये जो सोर्स है, ये जो वी है, जो वी की वैल्यू पूछ रहा है वो या तो 205 होगा या 195 होगा, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से मैं 50-50 सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी सही नहीं हो सकता, ये गया ख़त्म, और 195 205 है, 200 कभी सही नहीं हो सकता। या तो ए ऑप्शन सही है या तो बी ऑप्शन सही है बिट्स का। चलो अब सही कौन सा है उसके लिए कुछ कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है तो वो भी चेक कर लेते हैं कि इसमें से कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो कहता है सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 2b ऑफ द सोर्स गिव 10 बिट्स पर सेकंड। तो सेकेंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी 2b, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी b था तो इसका सेकेंड हार्मोनिक कितना होगा, 2b होगा। तो इसका सेकेंड हार्मोनिक हम कर लेते हैं तो इसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब होता है ये जो है वो क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक मतलब इसका डबल, थर्ड हार्मोनिक मतलब इसका 3 टाइम्स। तो सेकेंड हार्मोनिक जब इसको करोगे इसका डबल कर दो तो 205 का 410 और या 195 200 190। तो ये क्लियर है, दैट इज सेकेंड हार्मोनिक। ये आ गया हम लोग के पास सेकेंड।
ये तो बात क्लियर हो गया जैसा क्वेश्चन में कह रहा। अब सेकेंड हार्मोनिक को क्या किया गया, इस फ्रीक्वेंसी को क्या किया गया, 10 बीट्स विद सोर्स 420, एक नया सोर्स बीच में आ गया, दो तो पहले थे लेकिन एक नया सोर्स आ गया, ये जो थर्ड सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये 420 हर्ट्ज है, इसको साउंड इसके साथ सेकेंड हार्मोनिक साथ जनरेट किया गया तो हमें 10 बिट्स मिलता है, 10 बिट्स मिलता है। चलो देख लेते हैं किसके साथ 10 बिट्स मिलता है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो 410 और 420 के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 10 है, तो ये हमें 10 बिट्स मिल जाएगा, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। 190 और 420 को एक साथ साउंड जनरेट करते हो तो क्या आपको 10 बिट्स मिलेगा क्या? नहीं यार, कभी 10 बिट्स नहीं मिलेगा, देख रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 410 है, दैट इज एक्चुअल सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है जिसको, और इसके साथ साउंड जनरेट किया गया तो 10 बिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 205 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो हमें आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, बराबर है। देखो समझाने का तरीका होना चाहिए फैकल्टी का, ये जो है बिट्स के प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे होते हैं। वेव हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच पीरियड इज 4 सेकंड व्हाइल अनदर वेव पोसेस सिंपल हार्मोनिक में हाई पीरियड 3 सेकंड। अब देखो वेव है जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकंड है T1, और T2 जो है वो 3 सेकंड है, क्लियर है। वेव्स हैव सिंपल हार्मोनिक टाइम पीरियड ना पोसेस हैव हार्मोनिक मोशन है टाइम पीरियड, ये बोथ कंबाइंड, दोनों वेव को हमने कंबाइंड कर दिया तो रिजल्टेंट वेव है द पीरियड। तो देखो सुपर पोजिशन ऑफ वेव है, समझना, दो वेव को कंबाइन करना सुपर पोजिशन है। सुपर पोजिशन के अलग अलग एप्लीकेशन हम पढ़ के आए थे, बिट्स था, स्टैंडिंग वेव था, इंटरफेरेंस था। तो अगर मैं इन दोनों वेव्स को मिलाता हूँ तो हमें रिजल्टेंट टाइम पीरियड कितना होगा? अब आपको पता होगा कि एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बीट फ्रीक्वेंसी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि F1 माइनस F2 को अगर मिलाते हो तो ये जो होती है दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड T1 माइनस 1 अपॉन टाइम पीरियड T2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1/12। मतलब इन दोनों के बीच जब सुपर पोजिशन हुआ तो हमें जो बीट्स मिला, बीट्स फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? बीट्स फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में 1/12 बीट्स हमें सुनाई दे रहा है। बीट्स का मतलब एक बार हाई सुनाई दिया, फिर कितने टाइम बाद हाई सुनाई देगा, तो ये जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बीट पीरियड। बिटवीन द टू हाई एंड टू लो कंजुगेटिव जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बीट पीरियड बोलते हैं। तो बीट फ्रीक्वेंसी इतना है तो बीट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो बीट टाइम पीरियड, तो अब जो नई वेव बनी है उसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 12 सेकेंड। ये एक नई वेव बन गई यार, ये दोनों अलग अलग थे जिनका टाइम पीरियड इतना था, T2 इतना था, तो जो नई वेव बनी वो उसमें कंटिन्यूस हाई एंड लो इंटेंसिटी सुनाई दे रही है जिसकी बीट फ्रीक्वेंसी 1/12 है और बीट टाइम पीरियड जो है वो 12 सेकेंड है, दैट इज सी ऑप्शन सही है। चलो स्ट्रेच स्ट्रिंग रिजोनेंट विथ ए ट्यूनिंग फोर्क 512 हर्ट्ज। चलो एक हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है, इसको साथ रिजोनेट किया गया एक स्ट्रिंग के साथ, क्लियर है, मतलब इसको भी ऑसिलेट कराया गया, इसको भी ऑसिलेट कराया गया, तो हमें कुछ फिर हुआ क्या, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 500, ए ट्यूनिंग फॉर रिजोनेट ट्यूनिंग फॉर 512 हर्ट्ज ये दिया हुआ था। When length of the string 0.5 meter, इसकी जो है वो 0.5 meter length पहले से पता था, clear है। Required to vibrate with tuning fork of frequency 256.
अब समझने की कोशिश करना कि एक स्ट्रिंग है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर लेंथ 0.5 सेंटीमीटर है और ये 512 के साथ ट्यूनिंग फोर्क के साथ दोनों को साउंड वाइब्रेट किया गया, तो रिजोनेट मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी वो मिल रही है। अब कहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसकी 256 मतलब अगर ये एफ था तो मैं इसका आधा कर दिया एफ बाई टू, तो अब रिजोनेंट मतलब रिजोनेंट होने के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलने के लिए हमें कितनी लेंथ की जरूरत है वो एयरलेस। तो अगर आप ये वाली स्ट्रिंग पढ़ के आए होगे तो फर्स्ट लूप ऑफ वाइब्रेशन या मतलब फर्स्ट लूप या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2 एल टी बाई म्यू इसके ऐसे पढ़ के आए होगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे होती है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में या फर्स्ट हार्मोनिक में। तो ये अगर यहाँ पर देखोगे बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 लेंथ। यहाँ से देखो अगर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी अब आधा कर देते हो तो जो लेंथ है उसको डबल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ पहले 0.5 था तो अब जो एल डैश आएगा वो 2L आ जाएगा, मतलब 2 और मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मतलब आ जाएगा 1, मतलब सी ऑप्शन सही है। आसान क्वेश्चन था ये। कहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स ऑफ द टू साउंड वेव मस्ट हैव, हमें बीट्स चाहिए हमें, तो बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड सेम एम्पलीट्यूड। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस तो होगा ही होगा तभी तो बीट्स सुनाई देगा, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंस होता है सेम एम्पलीट्यूड नहीं होता है, तो ये गलत है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ये वाली चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड सेम हो यार, ये तो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज ये गलत है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज ये गलत है। तो आप ये बीट्स के कंडीशन है यार, आप पढ़ के आए होगे कि बीट्स हमें कम मिलता है व्हेन देयर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के सुपर इम्पोज होते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सिनोसाइडल वेव, अब वेव है ये हमें दिया हुआ है, अब इस वेव से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना यार, तो इस वेव को कंपेयर करते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस प्लस माइनस के एक्स, इससे कंपेयर कर दें, ये वेव किधर जा रही है निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये यहाँ एक्स छूट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के कंपेयर में वो आ जाएगी 200, ये हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो 2π फ्रीक्वेंसी अपॉन 2000 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो 2000 अपॉन 2π मतलब यह आ जाएगी 1000 अपॉन पाई हर्ट्स, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब डी ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो है द प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मटेरियल मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिट इन द प्रोपोगेशन, अगर कोई वेव किसी मीडियम में चल रही है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, मैकेनिकल वेव है, मटेरियल वेव है, इसके लिए मीडियम तो चाहिए ही चाहिए यार, तो जब पार्टिकल मीडियम जब वेव चलती है तो आपको पता होगा कि वेव का मतलब होता है एनर्जी को कैरी करना, जिस तरह से ट्रक ट्रेन यूज होते हैं सामान को मटेरियल को कैरी करने के लिए, उसी तरह से वेव यूज होता है एनर्जी को कैरी करने के लिए, बराबर है। और वेव में मटेरियल ट्रांसमिट कभी नहीं होता, मास ट्रांसमिट कभी नहीं होता है, बराबर है। आधी तूफान वेव नहीं है यार, आधी आ गई स्नोफॉल हो रहा है, आधी आ गई स्नोफॉल हो रहा है, ये वेव नहीं है भाई। तो ये तो क्लियर हो गया वेव की बेसिक है, तो वेव केवल एनर्जी प्रोपोगेट करती है, मोमेंटम प्रोपोगेट नहीं करती है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब होता है यार MV, लीनियर मोमेंटम का प्रोपोगेशन मतलब मास का प्रोपोगेशन, जो कि गलत है मेरे भाई। तो केवल एनर्जी प्रोपोगेट करेगी, एनर्जी मोमेंटम प्रोपोगेट नहीं करती है, मास प्रोपोगेट नहीं करती, एनर्जी और मास प्रोपोगेट नहीं करती ये। चलो द टू ट्रेन्स मूव ईच अदर विद द सेम स्पीड, अब ईच अदर एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ईच अदर ये
इस तरह से टू ट्रेन मूव टुवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड, इसकी स्पीड भी है, इसकी भी स्पीड भी है। अब साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड हम लोग को लेना है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो हाइट ऑफ द टोन, हाइट ऑफ द टोन मतलब क्या होता है, हाउ हाई और लो पीच मतलब होता है फ्रीक्वेंसी टोन। तो टोन ऑफ द विस्टल ऑफ द देम हियर अदर 9 upon 8 times then the speed of each train when heard on the other change due to 9 upon 8 times then speed of each, हर एक ट्रेन की स्पीड निकालनी है। अब हुआ क्या यहाँ कि ये जो ट्रेन है उसने क्या किया, एक ट्रेन इसने सोर्स का साउंड साउंड जनरेट कर दिया, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी मान लो F, तो ये जो टोन सुनाई दिया वो 9 upon 8 times ऑफ अदर मतलब 9 upon 8 F इसको मिला F डैश, बिकॉज डॉपलर इफेक्ट होगा, बिकॉज एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा कुछ और इसको मिलेगा कुछ और। ये तो हम लोग को निकालना स्पीड ऑफ ट्रेन, क्लियर है। चलो तो मैं आपको जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कुछ एक ही फार्मूला हमेशा याद रखना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश स्पीड माइनस OS ऑब्जर्वर बी माइनस सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अगर ये फार्मूला याद है तो नीट लेवल में और मतलब जेई मेंस लेवल में लगभग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ, मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताया था, कोई साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्शन में वेक्टर के साइन एक जैसे रहते हैं। चलो तो इधर इधर साउंड जनरेट किया, सुन रहा है तो साउंड ऐसे आएगी, मतलब इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ तो साउंड की स्पीड 340 इधर आ गई और इधर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। चलो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश की वैल्यू 9F मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू साउंड की स्पीड में भी ले लिया एंड ऑब्जर्वर की जो स्पीड है कहता टू विज स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड 300, इफ द स्पीड ऑफ If the speed of them is here to not change it not times then speed of each train हाँ निकाल लो। अब हमें भी अब दोनों की स्पीड सिंगल है, अगर ये इसकी स्पीड में वी डैश ले लेता हूँ तो मैं इधर ये इधर जा रहा है तो इधर पॉजिटिव है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर इस टाइम ये है क्योंकि मैं इससे साउंड कंसिडर किया हूँ तो ऑब्जर्वर ये है तो ये इधर आ रहा है इसके अपोजिट, तो इसकी स्पीड में वी डैश मान लेता हूँ तो ये प्लस वी डैश जो हमें चाहिए, और ये भी साउंड की स्पीड और सोर्स सोर्स अभी मैं इसको कंसीडर किया इधर जा रहा है तो ये माइनस वी डैश और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ। अब इसको सॉल्व कर लो और वी डैश की वैल्यू निकाल लो, स्पीड दोनों का सेम दिया हुआ है, एफ ने एफ को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 8V प्लस 8V डैश इज इक्वल टू 9V और माइनस 9V डैश। तो इसका मतलब ये हुआ ये इधर आया तो 9 16 17V इज इक्वल टू 9V माइनस 8V दैट इज द वी, इसका मतलब ये हुआ कि वी डैश स्पीड आ जाएगी वी अपॉन 17, वी क्या था साउंड की स्पीड जो कि 340 है और डिवाइडेड बाय 70 17 × 34 इज इक्वल टू 20 meter per second दैट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन 20 meter per second। तो ये आ जाएगा ए ऑप्शन हम लोग का सही है, बराबर है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द क्लोज आर्गन पाइप, हम लोग के पास क्लोज आर्गन पाइप है, ऐसा पाइप जो एक साइड बंद होता है, एक्साइटेड टू सपोर्ट द थर्ड ओवर टोन, ध्यान देना थर्ड ओवर टोन है, इट इज फाउंड द नोड और एंटी नोड निकालना। अगर आप पढ़ के आए होगे और मैं कई बार करवाया भी हूँ कि जो क्लोज आर्गन पाइप होता है उसमें नोड और एंटी नोड बराबर होते हैं, ये जो होता है वो जीरो ओवर टोन है, यहाँ हमेशा क्लोज आर्गन पाइप है, यहाँ हमेशा एंटी नोड ही बनेगा क्योंकि ओपन है, एयर के मॉलिक्यूल हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, इस पॉइंट पर हमेशा नोड ही बनेगा। तो ये जो होता है कुछ ऐसे, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन या फर्स्ट हार्मोनिक या जीरो ओवर टोन होता है, क्लियर है। अब इसमें देखो एक नोड बना है एक एंटी नोड बना है, तो क्लोज्ड आर्गन पाइप में जितने नोड होते हैं उतने एंटी नोड होते हैं, तो 3 nodes and 4 antinode ये कभी सही नहीं हो सकता बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज, 4 nodes and 3 ये भी कभी सही नहीं हो सकता
मतलब फोर, या तो ए ऑप्शन सही है या तो डी ऑप्शन सही है, क्लियर है। अब ये होता है जीरो ओवर टोन। अब एक नोड हमने और बनाया, यहां से एक नोड यहां था, एक नोड यहां था, तो कुछ ऐसा हमें पाइप दिखेगा। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन, या ये फर्स्ट हार्मोनिक और ये थर्ड हार्मोनिक। इसमें जो इवन हार्मोनिक होती है वो मिसिंग होती है। चलो अब इसमें सेकेंड ओवर टोन, तो सेकेंड ओवर टोन में एक नोड, दो नोड यहां बना लो बीच में, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ गया। इसमें एक नोड था, इसमें दो नोड था, इसमें तीन नोड था, ये फर्स्ट ओवर टोन है, ये सेकेंड ओवर टोन है, और ये जीरो ओवर टोन है। अब हमें चाहिए थर्ड ओवर टोन। थर्ड ओवर टोन में एक दो तीन, एक नोड और बना लो, तो ये पाइप हमें कुछ ऐसी दिखेगी, एक दो तीन और एक नोड यहाँ, कुछ ऐसा। अब काउंट कर लो, इसमें फोर नोड आ गए, एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड और एंटी नोड। तो हमें फोर नोड्स और फोर एंटी नोड, मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन सही है। प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोज्ड आर्गन पाइप पे क्वेश्चन था, कहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपको। फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा फाई आपको दिया हुआ है 40, पाथ डिफरेंस है, फेज पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर, दिस इज द पाथ डिफरेंस। साउंड वेव इज एयर, स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड आपको पहले से दी हुई है। पर्टिकुलर साउंड वेव डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई भी दिया हुआ है 0.16 पाई, तो फिर पूछ क्या रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। अब जो वेव है, वेव उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए यार। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका स्पीड मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ। अगर मुझे स्पीड दिया हुआ 330 और फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर लैम्डा पता चल जाए इस वेव का, तो हमें बेहतर तरीके से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो लैम्डा पता कर लेते हैं, तो आप ये एक रिलेशन पढ़े होंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, 2π लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई दिया हुआ 0.16π और यह आ जाएगा 2π और यहाँ से लैम्डा, तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ये 0.4, तो अब इसको सॉल्व कर लो पाई ने पाई को, और जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो 2 और 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 पॉइंट ने पॉइंट को, और ए आ जाएगा ये 4 टाइम्स आ कट गया 2, मतलब ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 0.5, दिस इज द लैम्डा। अब लैम्डा 0.5 आ गया, तो स्पीड 330 है, तो 330 स्पीड 0.5 दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2, मतलब 660 हर्ट्ज, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मी, वेव के बारे में मैंने बहुत सारे पढ़ाई की है, बहुत सारी चीजें, जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं, अगर पहले ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जो नहीं होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।